नमस्कार, मैं शिवानी बिहारी न्यूज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे चुकंदर के बारे में। अपने गहरे लाल रंग के लिए लोकप्रिय चुकंदर स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद होता है। शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ानी हो या सौंदर्यता बरकरार रखनी हो, चुकंदर के कई फायदे हैं। चुकंदर के गुण के कारण इसका उपयोग आमतौर पर सलाद या जूस की तरह किया जाता है। चुकंदर बहुत से लोगों को पसंद नहीं आता है, बहुत से लोग इसे खाने से भागते हैं। अगर आप चुकंदर खाने के फायदे से ज़्यादा वाकिफ नहीं है तो आज के इस वीडियो में मैं आपको चुकंदर खाने के फायदे विस्तार से बताऊंगी। चुकंदर खाने के फायदे आपको मधुमेह में मिल सकता है। इसके हाइपोग्लाइसेमिक गुणों के कारण डायबिटीज के प्राकृतिक इलाज के रूप में चुकंदर का सेवन किया जा सकता है। यह एक गुणकारी खाद्य पदार्थ है। इसका सेवन रोजाना करने से रक्त शर्करा संतुलित हो जाती है, जिससे डायबिटीज के मरीजों के लिए यह फायदेमंद हो सकता है। ये सभी तत्व मधुमेह के स्तर को कम करने में मददगार होते हैं। चुकंदर खाने के लाभ हृदय को ठीक करने में भी मिल सकता है। शरीर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा हृदय है, जिसका स्वस्थ रहना हर हाल में जरूरी है। चुकंदर का उपयोग हृदय को स्वस्थ रखने का काम करता है। इसमें मौजूद नाइट्रेट तत्व रक्तचाप को सामान्य कर हृदय रोग और हृदयाघात से बचा सकता है। हाई ब्लड प्रेशर एक गंभीर शारीरिक समस्या है, जिसमें धमनियों में रक्त का दबाव सामान्य से अधिक बढ़ जाता है। हाई ब्लड प्रेशर के कई घातक परिणाम हो सकते हैं। सही स्वास्थ्य के लिए धमनियों में रक्त का प्रवाह सामान्य रहना जरूरी है। उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करने के कई आधुनिक उपाय मौजूद हैं, लेकिन प्राकृतिक उपचार में चुकंदर का सेवन किया जा सकता है। कैंसर से बचने के लिए चुकंदर खाने के फायदे देखे गए हैं। एक अध्ययन में पाया गया है कि बीट रूट फेफड़ों और स्किन कैंसर को शरीर में विकसित होने से रोक सकता है। गाजर और चुकंदर का जूस एक साथ मिलाकर पीने से शरीर में ब्लड कैंसर की आशंका को कम किया जा सकता है। आयरन शरीर में लाल रक्त कोशिकाएं बनाने में मदद करता है, और लाल रक्त कोशिकाएं शरीर के विभिन्न भाग में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करती है। एनीमिया ऐसी अवस्था है जब शरीर में आयरन की कमी के कारण पर्याप्त लाल रक्त कोशिकाएं नहीं बन पाती हैं। एनीमिया का उपचार करने के लिए आयरन युक्त खाद्य पदार्थ का सेवन करने की सलाह दी जाती है, जिसमें आप चुकंदर का इस्तेमाल कर सकते हैं। थकान मिटाने के लिए चुकंदर के जूस के फायदे देखे गए हैं। इसमें 100 मिलीलीटर जूस में 95 कैलोरी ऊर्जा होती है, जिसके सेवन से शरीर में तुरंत ऊर्जा मिलती है। चुकंदर का जूस एथलीटों की कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस यानी ज्यादा समय तक शरीर के एक्टिव रहने की क्षमता को बढ़ाता है। हड्डियां हमारे शरीर को मजबूती प्रदान करती हैं और हमारे आकार को बनाने में मदद करती है। शरीर के पूरे वजन को संभालने के लिए हड्डियों का मजबूत होना जरूरी होता है। इसके अलावा हड्डियां शरीर के अंगों की रक्षा भी करती है, जैसे खोपड़ी की रक्षा करती है और चेहरे का आकार बनाती है। इसलिए हड्डियों की मजबूती के लिए शरीर में कैल्शियम का होना जरूरी है, और चुकंदर कैल्शियम का अच्छा स्रोत है। चुकंदर खाने से न सिर्फ हड्डियां बल्कि दांतों को भी मजबूत रखा जा सकता है। शरीर में सूजन कभी भी और कहीं भी हो सकता है। इसके लिए बैक्टीरिया या अन्य कीटाणु जिम्मेदार होते हैं। साथ ही चोट लगने या शरीर में किसी तरह के केमिकल रिएक्शन के कारण भी हो सकता है। शरीर में किसी भी तरह के सूजन को खत्म करने के लिए एंटी इंफ्लेमेटरी प्रभाव की जरूरत पड़ती है। ऐसे में चुकंदर खाने के फायदे देखे जा सकते हैं। इसमें मौजूद बीटालेन नामक तत्व में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो शरीर में सूजन को कम करने में मदद करते हैं। शरीर में बनने वाले खराब कोलेस्ट्रॉल को ADL कहा जाता है। यह रक्त धमनियों में जमा होकर गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा सकता है। शरीर में इसकी मात्रा ज्यादा होने पर हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए इसे नियंत्रित रखने की सलाह दी जाती है। इसे नियंत्रित करने के लिए चुकंदर के जूस के फायदे देखे गए हैं। गर्भावस्था में चुकंदर का उपयोग फायदेमंद हो सकता है। यह फॉलेट का अच्छा स्रोत होता है, जिसे गर्भावस्था के दौरान जरूरी विटामिन माना जाता है। यह शिशु में जन्म के दौरान होने वाली विकृतियों की आशंका को कम करता है, साथ ही यह बच्चे को विकास करने में भी मदद करता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। और हम आशा करते हैं कि चुकंदर से संबंधित हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप किसी विषय पर हमसे कुछ और पूछना चाहते हैं तो हमें आपके सवालों के जवाब देने में खुशी होगी। आप हमें अपने सवाल कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।